नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बिरजू ब्लॉग्स पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये रवि फसल सीरीज का छठवां वीडियो है और आप सभी को पता है कि फागुन का महीना चल रहा है और मार्च की शुरुआत आज से हो चुकी है। ऐसे में इस सीरीज में आप सामने देख पा रहे हैं कि जो राई गोट है उसकी कटाई शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम अपने छत पे खड़े हैं, यानी हैं। तो चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। और दूसरा खबर है मजर के बारे में, हालांकि ये सब चीज़ें आम लोगों को पता होती है, फिर भी अपडेट दे देते हैं। तो चलिए राय का फसल देखते हैं। तो यहाँ पे है एक कोड़ी और एक वहाँ पे है, देखिए इसी से हमारी बनती है सरसों की तेल। देखिए यहाँ पर एक मिनट आपको दिखाते हैं फोकस करके, ये देखो अंदर में जो दाना है यहीं से हमारी, इसी की वजह से हमारा जो है सरसों का तेल बनता है। तो फिलहाल एक कुरी वहाँ पर है और फिर ये जब पूरी तरह से सूख जाएगी तो इसे जो हम है डंगाएंगे, यानी कि पीटेंगे और इसमें से इसका जो है असली दाना बाहर आएगा, फिर उसे सुखा करके तेल निकाला जाएगा। और चलिए अब मजर के बारे में बात करते हैं। तो दरवाजे पर जो पेड़ लगे हुए हैं उसमें इस बार जो है मजर लगा नहीं है। ये जो दरवाजे पे आप पेड़ देख रहे हैं, जूम करते हैं, ये सब दलान पे, इसमें मजर नहीं लगा है। वजह है कि एक साल मजर जो है लगता है और दूसरे साल नहीं लगता है, सीजनेबल साल में एक ही बार ये आम जो है फरता है। और ये वाला बिज्जू है इसमें हर साल मजर लगता है, साइज में जो है आम बहुत छोटा होता है। देखिए इसमें पूरी तरह से मजर जो है लदा हुआ है। और मेरा तो काम ही है आप लोगों को हर एक चीज़ से अपडेट कराना, हालांकि इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है सभी को, फिर भी वो देखना पसंद करते हैं। नज़दीक से दिखाते हैं आपको। और इसके अलावा और भी पेड़ पौधे हैं, मतलब आम के पेड़ हैं, उसमें भी मजर लगे हैं, सिर्फ हमारे वाले दो में फ्रंट लाइन वाले में नहीं लगे हैं। इसको भी हम जूम करके आपको दिखाई देते हैं, ये देखिए है कि नहीं। और इधर भी है, इधर भी बहुत सारे पेड़ हैं जिसमें मजर लगे हैं और कितनों में तो नहीं लगे हैं। और ये सामने वाला में मजर है और फिर बाजू वाला में दिख नहीं रहा है लेकिन उसमें भी मजर लगा हुआ है। और क्या बताया आपको, बताने के लिए मेरे पास तो इतना ही था और मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत से ज़्यादा कभी कुछ बताने चाहिए। और कुछ खास नहीं है। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।